तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है नौकरी का, बेरोजगारी का, जो आप लोग सभी भाई लोग अभी शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोगों का शिकायत सुनने को मिलता है, शादी हुई है नहीं दीदी, कहाँ भी शादी कैसे होगी, तो नौकरी तो हुआ ही नहीं है। और सारे के पिता चाहते हैं लड़की के पिता की जॉब वाला लड़का मिले, है ना सही बात। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, ये जो और इस चुनावी सभा में आए हुए यहाँ के सम्मानित जनतागण, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों से मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम अर्चना रविदास है, मेरा घर इसी जमुई जिले के झाझा विधानसभा के लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव में है। मेरा जन्म यहीं हुआ है, मैं यहीं से पढ़ी लिखी हूँ, स्कूली शिक्षा मेरी यहीं हुई है, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस महिला को 50% जो आरक्षण मिला है उसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय उम्मीदवार चाहिए था इस जमुई लोकसभा को, क्योंकि जो 10 साल से यहाँ पे आके राज कर रहे थे लेकिन वोट लेके चले गए और काम के नाम पे कुछ भी नहीं किए, उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बात को समझा कि यहाँ एक स्थानीय उम्मीदवार चाहिए और मेरे रूप में, यहाँ की बेटी के रूप में आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, आपका दुख दर्द बांटने के लिए मुझे यहाँ आप लोगों के बीच भेजा गया है। मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगी कि जब मैं सिंबल लेने गई थी तो बहुत प्यार से मुझे श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आशीर्वाद दिया था और बोला था जाओ बेटा जीत के आना। तो मैं आप लोगों से इस नाते कहना चाहूंगी कि जिस विश्वास के साथ और जिस भरोसे के साथ यहाँ के स्थानीय होने के नाते आप लोगों के बीच मुझे भेजा गया है, मैं एक बेटी होने के नाते, आप लोगों से आपकी बहन होने के नाते मेरा हक भी है और आपका फर्ज है कि अपनी बेटी को आशीर्वाद दें और यहाँ का जम्मू का लोकसभा सीट जिता के महागठबंधन के हाथ में देने का काम करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अभी प्रचार प्रसार में जहां भी जाती हूँ मैं हर गली मोहल्ले जा रही हूँ, सब लोगों से मिल रही हूँ। और मैं आज से ही नहीं, मैं 2014 से ही अपने क्षेत्र में जनसेवा में लगी हूँ। लोगों का कहना है त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं रोड नहीं है और सब उनका सारा आक्रोश मेरे पे निकाला जाता है। वो समझते भी नहीं है कि ये पहली बार आई है, घर की बेटी है, इतना आक्रोश है लोगों में कि वो सारा गुस्सा मेरे पे उतार दिया जाता है, समझाने का भी मौका नहीं मिल पाता है। फिर बहुत समझाने के बाद समझते हैं कि नहीं वो बाहरी प्रत्याशी थे, वो आपके अपने नहीं थे, वो सिर्फ एक सीट के लिए यहाँ आए थे, उनको यहाँ के लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है, किसी से उनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो कभी आप लोगों से मिले जुले ही नहीं तो आपकी समस्या का क्या समाधान कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के बीच हमेशा जा रही हूँ और आप लोगों की सारी समस्याओं को ध्यान में रखा है मैंने। यदि आप लोग आशीर्वाद देने का काम करते हैं, यदि आप लोग ये सीट निकालने का काम करते हैं तो यहाँ की समस्या निश्चित रूप से मैं आपकी बेटी होने के नाते दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी और मेरे नेता का भी हाथ मजबूत होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है नौकरी का, बेरोजगारी का, जो आप लोग सभी भाई लोग अभी शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोगों का शिकायत सुनने को मिलता है शादी हुई है नहीं दीदी, कहाँ भी शादी कैसे होगी, तो नौकरी तो हुआ ही नहीं है। और सारे के पिता चाहते हैं लड़की के पिता की जॉब वाला लड़का मिले, है ना सही बात। तो इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, ये जो 5 किलो चावल बहुत जगह सुनने को मिलता है कि मोदी जी तो 5 किलो चावल दे रहे हैं, आप लोग समझाएं, युवा वर्ग के लोग से ज्यादा हम लोग को अपेक्षा है, हमारे नेता को भी अपेक्षा है और आप लोग ही चाहेंगे तो यहाँ की दशा और दिशा बदल सकेगी। तो इसलिए आप लोगों से ज्यादा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों को समझाएं, ये 5 किलो चावल के पीछे नहीं जाएं, ये 5 किलो चावल तो बहुत पहले से दिया जा रहा था और जैसा कि हमारे नेता बताते हैं कि तेल भी दिया जाता था, राशन भी दिया जाता था, किरासन तेल भी दिया जाता था। तो इसलिए वो सब तो मिलेगा ही, लेकिन मेरे नेता आप लोग को बता रहे हैं उसके साथ आप लोग को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। तो इसलिए आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नेता का हाथ मजबूत करें, क्योंकि जब तक केंद्र में हम लोग का हाथ मजबूत नहीं होता है तब तक हम लोग आप लोगों के साथ अच्छे से हम लोग काम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों से ये भी अपील करेंगे कि महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनाने की पूरी कोशिश करें
और समय कम है, इसलिए हम तो आप लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। आज हम लोग अपने नेता की बातों को सुनेंगे ध्यान से, आप लोग कृपया शांति बना के उनकी बातों को सुनिएगा। धन्यवाद।